और आगे बढ़ते हैं युद्ध के मोर्चे की सबसे विध्वंसक खबर यह है कि पुतिन को अमेरिका की वो कमजोर नस मिल गई है जिससे अमेरिका खुद बहुत घबराता रहा है। पुतिन ने अमेरिका पर ज्वालामुखी बम विस्फोट करने का प्लान तैयार कर लिया है। इस महाविस्फोट से इतनी भयंकर तबाही होने वाली है जिससे अमेरिका, कनाडा और अमेरिकी महाद्वीप के कई देश तबाह हो सकते हैं। विस्फोट के 15 मिनट के भीतर ही, जी हाँ 15 मिनट के भीतर ही 1 करोड़ लोग मारे जाने की आशंका है। क्या है पुतिन के प्लान, अमेरिका भस्म, देखिए रिपोर्ट। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। रूस के अतीत वाले गौरव की पुनर्स्थापना के लिए पुतिन ने बारूदी मोर्चा खोला, लेकिन पुतिन के इस मिशन को पूरा होने से रोक रहा है अमेरिका। अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखे हुए है, साथ ही अब लॉन्ग रेंज हथियार देने का ऐलान हो चुका है। जंग में पुतिन की हार उनके ही नहीं बल्कि महाशक्ति रूस के अस्तित्व को ही वर्ल्ड ऑर्डर से खत्म कर देगी। इसीलिए पुतिन का प्रण है कि किसी भी कीमत पर जंग जीतनी है, और पुतिन के इस प्रण से अमेरिका पर विनाश मंडरा रहा है। फरवरी को पुतिन ने न्यूक्लियर टेस्ट के लिए तैयार रहने का आदेश जारी कर दिया है। नोवाया जेमलिया टेस्ट साइट से रूस ICBM सरमत न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, और रूस की इस मिसाइल को अमेरिका ने कोड नेम दिया है शैतान। रूस की यह मिसाइल दुनिया की सबसे शक्तिशाली ICBM कही जाती है। एक मिसाइल 6 से 10 न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ अलग अलग टारगेट पर हमला कर सकती है। रूस की ग्लोबल मिसाइल स्ट्राइक यूनिट ने पुतिन के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद सरमत को कॉम्बैट ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। रूस ने ऐसा प्लान तैयार किया है कि सरमत के एक ही प्रहार से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरा अमेरिकी महाद्वीप ही ध्वस्त हो सकता है। रूसी मीडिया में रूसी सेना के एक अधिकारी ने सार्वजनिक तौर पर पूरे अमेरिकी महाद्वीप को तबाह करने की धमकी दी है। सरमत एक खास हथियार है। ये एक मिसाइल टारगेट पर कई न्यूक्लियर वॉरहेड गिरा सकती है। ये धरती पर कहीं भी एक छोटा वॉरहेड गिराने में भी सक्षम है। सभी हमलों को रोकने वाला एक एंटी मिसाइल सिस्टम बनाना असंभव है। इसका मतलब है अमेरिका पर हमला किया जा सकता है। सरमत अमेरिका के सबसे बड़े डर, येलोस्टोन ज्वालामुखी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रूस के सैन्य अधिकारी ने जो कहा उसका मतलब छोटे से न्यूक्लियर वॉरहेड से सबसे भयंकर तबाही मचा देना है। अमेरिका के वायोमिंग में येलोस्टोन नेशनल पार्क की जमीन के नीचे एक सुपर वॉल्केनो धधक रहा है। येलोस्टोन सुपर वॉल्केनो अब से 6 लाख साल पहले फटा था। अगर रूस ने अपनी ICBM सरमत मिसाइल यहां दागी तब क्या होगा, ये समझिए। ये ज्वालामुखी अपने आप भी फटा तो अमेरिका और कनाडा में महाविनाश हो जाएगा, लेकिन अगर इसे न्यूक्लियर मिसाइल से टारगेट किया गया तो विनाश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मान लीजिए येलोस्टोन ज्वालामुखी पर रूस न्यूक्लियर हमला कर देता है, न्यूक्लियर वॉरहेड और ज्वालामुखी फटने से बहुत बड़ा विस्फोट होगा। इसका फायरबॉल सैकड़ों मील इलाके को तबाह कर देगा। हजारों डिग्री तापमान पर दहकते हुए पत्थर मिसाइलों की तरह गिरेंगे।
पूरे अमेरिका और कनाडा में तबाही मच जाएगी। 1000 किलोमीटर के दायरे में लाखों लोग कुछ ही मिनटों में मारे जाएंगे। अनुमान है कि विस्फोट के 15 मिनट के भीतर 91 लाख लोग मारे जाएंगे। ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में राख फैल जाएगी, जो सांस के साथ सीमेंट के मिक्सचर की तरह फेफड़ों में जम जाएगी। राख में रेडियो एक्टिव तत्व होने से भी लोग मारे जाएंगे। राख का गुबार धरती के कई किलोमीटर ऊपर तक छा जाएगा। इससे सूरज की रोशनी धरती पर नहीं आएगी। धरती के बड़े इलाके का तापमान बहुत तेजी से 10 डिग्री तक गिर जाएगा। यूरोप तक रेडियो एक्टिव राख की बारिश हो सकती है। सुपर वॉल्केनो येलोस्टोन का विस्फोट अमेरिका के लिए सबसे बड़ा डर है। अगर रूस ने इस सुपर वॉल्केनो को सरबत मिसाइल से निशाना बनाया तो अमेरिका के बचने का कोई विकल्प नहीं। कनाडा सहित अमेरिकी महाद्वीप के कई देश कुदरत की चोट और न्यूक्लियर विस्फोट की भेंट चढ़ जाएंगे। इस बात की आशंका बढ़ती जा रही है कि रूस ये विनाशक कदम उठा सकता है, क्योंकि रूस के रक्षा मंत्री ने एक गंभीर बयान दिया है। रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु का कहना है कि यूक्रेन का इस्तेमाल कर पश्चिमी देश रूस को तबाह करना चाहते हैं, लेकिन उनके ये प्रयास एक झटके में खत्म किए जा सकते हैं। शोइगु के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र में रूस के स्थायी दूत ने भी चेतावनी जारी कर दी। संयुक्त राष्ट्र में रूस ने कहा है कि यूक्रेन को हथियार देकर यूरोप और अमेरिका दुनिया को आत्महत्या की कगार पर धकेल रहे हैं। रूसी मीडिया पर पुतिन के इरादे जग जाहिर होने के बाद अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। नेटो प्रमुख जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने कहा है कि रूस की न्यूक्लियर हलचल पर अमेरिका की गहरी नजर है। अमेरिका और यूरोप रूस के न्यूक्लियर ठिकानों पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आशंका गहराती जा रही है कि रूस किसी विनाशक वॉर प्लान को कभी भी अंजाम दे सकता है। और अगर रूस ने सच में अमेरिका के सुपर वॉल्केनो पर न्यूक्लियर अटैक किया तो विनाश कितना बड़ा होगा। यूएसए सहित अमेरिकी महाद्वीप के कितने देश खत्म हो जाएंगे कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।